हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कुछ एक ट्रिक बता रही हूँ। अगर आपको ग्रामर में एक्टिव से पैसिव फॉर्म बनाने को क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाए, इम्पेरेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं, वो वाक्य होते हैं जिसमें किसी को ऑर्डर दिया जाता है या किसी से निवेदन किया जाता है, ठीक है, किसी को आज्ञा देना, किसी को निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, यस, किसी को राय देना, ये तीन चीज़ें इसमें आती हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में आज जो मैं लेके आई हूँ, जो रूल लेके आई हूँ, दैट इज़ फॉर द ऑर्डर। ऑर्डर आप जानते हैं, ऑर्डर का मतलब होता है किसी को आदेश देना। यदि किसी को आदेश देना हो, वो वाक्य आपको दिख रहा हो, उसका आपको पूछा जाए एग्जाम में कि इसको कन्वर्ट करिए पैसिव फॉर्म में, वॉइस का इंटरचेंज कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका है, आपको कोई गणित नहीं लगानी है, बिल्कुल। मैं कहती हूँ आपने कभी ग्रामर छुई भी नहीं होगी तब भी आप इस फॉर्मूले को करेंगे तो आप बिना सोचे समझे इसको ट्रिक से बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। So yes, I am going to share it with you, the trick, what is it about. Let's have a look. देखिए, what we have to do is that, आपको यदि वाक्य में आप suppose question आया, आपको order वाला आया कोई question, तो order जब भी कोई आदेश वाला आएगा तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये याद रखना है, this is the सूत्र, सूत्र मतलब formula, okay? आपको सबसे पहले तो लगाना है लेट, लेट के बाद हमेशा लगेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा लगेगा बी, इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। बी के बाद लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार दोबारा बता दूं आपको, मैं और क्लेरिफाई करने के लिए आई विल चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। देखिए, लेट लगाया आपने, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाना है और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये फॉर्मूला है, इसमें आपने अपने सेंटेंस को फिट करना है, ओके? तो देखिए, क्वेश्चन आया, जैसे सपोज क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, एग्जामिनर ने सपोज क्वेश्चन पूछा, शट द डोर। अब उसने बोला शट द डोर, कन्वर्ट इट्स पैसिव फॉर्म। वो यहाँ वहाँ एग्जाम में ये तो नहीं बोला जाएगा कि ये कौन सा इम्पेरेटिव है, कौन सा है, ये तो आपको खुद ब्रेन लगाना है। शट द डोर, आपको लग रहा है कि ये कहने का मतलब है, आदेश दे रहा है कि दरवाज़ा बंद करो, ये एक्टिव फॉर्म है। इसको पैसिव में यदि हमें बदलना है तो हमने बोला पहले लगा दो लेट, द डोर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमने लेट द डोर ऑब्जेक्ट लगा दिया। फिर हमने कहा बी लगाना पड़ेगा तो हमने बी भी लगा दिया। फिर हमने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो वर्ब यहाँ पर क्या है, शट। और आपको पता होना शट 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 तीनों फॉर्म यही आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म भी शट आएगी। तो कुछ नहीं किया आपने, आपने यही फॉर्मूला फिट कर दिया, लेट द डोर बी शट, ये इसका पैसिव फॉर्म बन गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद एक उदाहरण और है, वो मैंने नेगेटिव सेंटेंस से लिया है, अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको आप कैसे बनाएंगे, ओके? तो देखिए, डोंट या डू नॉट कह दो, अगर हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो हमने डोंट बोल दिया, डोंट माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड्स, ये एक्टिव, एक्टिव में है, वॉइस एक्टिव है ये, ठीक है। डोंट माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड्स मतलब कि उसे आदेश दे रहा है कि उसके ये जो अपमानजनक शब्द हैं इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, नेगेटिव सेंटेंस है। करना कुछ नहीं है, जैसे हमने पढ़ा आगे लेट लगा देना है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव चीज जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से पहले नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, तो लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स, ये हिज इंसल्टिंग वर्ड्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ऑब्जेक्ट। लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन अगर नकारात्मक सेंटेंस है, नॉट नेवर, तो नॉट पहले लग जाएगा, तो लेट नॉट His insulting words, फिर उसके बाद be लग गया और minded, mind है ना, verb यहाँ पर क्या है, mind, तो verb की third form क्या हो जाएगी, mind, minded, minded, तो ये minded, तो क्या बन जाएगा, let not his insulting words be minded, this is passive form, ये passive form है।
तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। ये ट्रिक से कराया है, अगर आपको ग्रामर की क्लासेस भी चाहिए तो इसी ट्रिक से पढ़ाया जाता है। यू कैन गो थ्रू द ग्रामर क्लासेस जो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। अगर इंटरेस्टेड हैं तो आपको ग्रामर की क्लासेस भी मिल जाएंगी। एंड यस, बाकी चीज़ें आपको मैं आने वाले मैराथन सीरीज़ में ग्रामर के भी कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक। एंड आज के बाद तो मुझे लगता है इम्पेरेटिव सेंटेंस आप नहीं भूलेंगे। ऑर्डर अगर आया तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। वी विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे। सभी लोग बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।